गर्मियों का सीजन है और हम सभी के घरों में आम, तो क्यों ना आम से एक बढ़िया सी स्वीट बनाई जाए। नमस्कार दोस्तों, रूपम खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बिना किसी मावा, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क या फिर एक्स्ट्रा मेहनत किए सिर्फ घर में रखे ही कुछ इंग्रेडिएंट से तैयार करूंगी मैंगो बर्फी, जो कि इतनी टेस्टी बनेगी कि आप एक नहीं, दो नहीं, पूरी बर्फी सफाचट कर जाएंगे। हमारे घरों में जब भी मैंगो आता है तो हम अक्सर उसका आम पन्ना या फिर मैंगो शेक बना लेते हैं, पर यहाँ पर आप 3 से 4 आम को यूज़ करके पूरे परिवार के लिए ये स्वीट सा डेजर्ट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैंगो बर्फी बनाना शुरू करते हैं। अभी ना मैंगो का सीजन चल रहा है और हम सभी के घरों में मैंगो की अलग अलग डिशेस बनाई जा रही है, तो उन सबसे हटकर मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 आमों को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। आप किसी भी मैंगो का यूज़ कर सकते हैं और उसे जैसे मर्जी काट लीजिए, क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग जार लिया है, इसमें मैं सिंपली सारे मैंगो को डालकर कर लूँगी ग्राइंड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेस्ट रेडी हो चुका है, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का ही है, तो हमें ऐसा ही रेडी करना है। तो अब मैंने एक पैन लिया है जिसे प्री हीट कर लिया था और इसमें मैं डाल दूंगी नारियल का दरदरा पाउडर। ये इजीली मिल जाता है या फिर आप नारियल को ग्रेट भी कर सकते हैं। अब मैं इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लूंगी। ऐसा करने से इसका फ्लेवर उभर कर आता है। तो देखिए ये रोस्ट हो चुका है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होकर ब्राउन हो गया है। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, और जिस पैन में मैंने नारियल को रोस्ट किया था उसी में मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। ये नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क है जिसे मैंने पहले से ही बॉयल करके फ्रिज में रखा था। अगर आपका मिल्क पहले से ही बॉयल्ड है तो आपको उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने यहाँ पर 1 लीटर मिल्क का यूज़ किया है। आपको जितनी बर्फ़ी बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग ही मिल्क लीजिएगा। अब इसे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी और पहला बॉयल आने तक इंतज़ार करूँगी। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइम पर मैं ऐड कर दूंगी चीनी। आपको जितनी मिठास पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग चीनी का यूज़ कर सकते हैं, और इसे भी मिक्स कर लीजिए। बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ नारियल का पाउडर जो पहले से ही रोस्ट करके रखा था। इसे डालने के बाद हमें इसे कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि ये जो हमारा मिल्क है वो फटे ना। अच्छा खासा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इसी टाइम पर मैं ऐड कर दूंगी मैंगो का पेस्ट जो पहले से ही बना के रखा था, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को जाके क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है जिस वजह से इसमें से छींटे भी उड़ रहे हैं, तो छींटे ना उड़े इसलिए मैंने इसको एक लिड से कवर कर दिया है। और इसे हमें पकाते रहना है जब तक बिल्कुल ये थिक कंसिस्टेंसी का ना हो जाए, यानी कि गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाया था और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है, कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से पक चुका है, तो इसी टाइम पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। इसे डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेक्सचर आता है। इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो अब मैंने ली है एक प्लेट और इस पर मैं घी को ग्रीस कर दूंगी। इसी में हम अपनी मैंगो बर्फी को शेप देंगे, तो घी को अच्छी तरीके से स्प्रेड कीजिएगा ताकि ये चिपके ना, और सिंपली हम डाल देंगे इसको प्लेट में और इसको बिल्कुल आराम से हर तरफ फैला देंगे। इस मैंगो बर्फी को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ नारियल का पाउडर और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे आपकी मैंगो बर्फी में 4 चांद लग जाएंगे। तो वैसे तो ये ऑलमोस्ट रेडी ही है, पर इसको एक्चुअल मैंगो बर्फी बनाने के लिए हमें इसे सेट करना होगा, तो इसके लिए हम इसको ढककर 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ज़रूर फ्रिज में रखिए। 5 से
से 6 घंटे हो चुके हैं, इसे हटा कर देखते हैं। ये देखिए हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है। तो रेडी है आज की हमारी मैंगो बर्फ़ी, जो कि इतनी टेस्टी और सिंपल थी कि आपका बार बार बनाने का मन करेगा। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और आप उनको कुछ मीठा बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स बच्चों को बेहद पसंद आएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मैंगो बर्फ़ी घर में ही रखे कुछ इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत या तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, ये मुंह में जाते ही घुल जाएगी और आप इसके टेस्ट में इतने डूब जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी बर्फ़ी खा ली। बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इसे बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और हाँ, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।